अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारे इस वीडियो में हम स्टूडेंट अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी हर स्कूल का एक लॉगिन एड्रेस होता है, उस लॉगिन में आप SAT रिज़ल्ट के ताल्लुक से रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो उस रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले अपने स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लॉगिन मैं कर रहा हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को यहाँ पे एंटर कीजिए और एक यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है कैप्चा। ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आप क्या है, इस दिए गए स्पेस में आप फिलअप कीजिए और अपने स्कूल के SATS पेज पर आप लॉगिन कीजिए। तो इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपके स्कूल का एक होम पेज आपके सामने नज़र आएगा जो बहुत ही वसी है। तो ये ओपन होने से पहले एक पॉपअप मैसेज भी आपके सामने आ रहा है। तो ये तकरीबन अभी SAT रिज़ल्ट जो जनरेट हुआ है ऑटोमेटिक, उसके ताल्लुक से यहाँ पे एक रिपोर्ट है, जो कि इस साल FA1, FA2, FA3, FA4 और साथ ही साथ SA1 जो रिज़ल्ट हम दर्ज किए कर चुके हैं, इसकी बुनियाद पर SAT रिज़ल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो इस रिज़ल्ट जनरेट होने के लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आप बकिया जितने भी FA1, FA3 जितने भी रिज़ल्ट बकिया बच चुके हैं उन तमाम को आप फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद SAT रिज़ल्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ पिछले मेरे एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पार्ट बी भी आपको फिलअप करना है। दोस्तों, अगर आप पार्ट बी आप खुद से फिलअप एडवांस करेंगे तो उसमें आप बच्चों के लिए ए ग्रेड, ए बी और सी ग्रेड कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे छोड़ देंगे तो सिस्टम आपको सी ग्रेड देगा, तमाम बच्चों का भी सी ग्रेड आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने बच्चों का पार्ट बी रिज़ल्ट आप खुद से एंट्री करें। अगर ना अभी तक ना करें हों तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन में भी आप जा क्या है रिज़ल्ट एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डैशबोर्ड है, स्कूल मैनेजमेंट है और वगैरह वगैरह। तो इसमें SAT रिज़ल्ट है, इसमें क्या है SAT रिज़ल्ट में एंट्री और अपडेट। तो आप ये ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, एंट्री और अपडेट। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंटर पार्ट बी और अपडेट पार्ट बी, यहाँ पे जाकर आप फिर से अपडेट करें और अपने स्कूल के बच्चों का पार्ट बी रिज़ल्ट आप खुद फिलअप करें। तो दोस्तों, इतना करने के बाद SAT रिज़ल्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप SAT रिज़ल्ट को आप किस तरह से देखना चाहते हैं या देखेंगे, तो आपके स्कूल के इस होम पेज में आप लॉगिन होने के बाद ये जो यहाँ पे साइड में बहुत सारे बटन्स नज़र आ रहे हैं, डैशबोर्ड, मैनेजमेंट वगैरह, तो इनमें सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट 1 to 10 जो ऑप्शन दिया गया है, तो इस बटन पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद इसमें और थोड़े बटन्स यहाँ पे आ जाएंगे, प्रमोशन डिटेल्स वगैरह है और साथ ही साथ यहाँ पे CCE रिज़ल्ट बोल के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए और इसमें और थोड़े यहाँ पे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पर रिज़ल्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करने के बाद अपने स्कूल का एक रिपोर्ट यहाँ पे आने वाला है। तो इसमें आपको बस इतना ये करना है कि यहाँ पे सब कुछ दर्ज है, सिर्फ आपको एक स्कूल का यानी जमातों का यहाँ पे आप क्लिक करना है या तो सेलेक्ट करना है। तो 1 to 5 यहाँ पे हमारे स्कूल का है, तो मैं यहाँ पे पहली जमात या पंचम जमात का मैं रिपोर्ट यहाँ पे लेता हूँ। तो इस पर आप सर्च क्लिक करने के बाद आपके स्कूल में दर्ज जितने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे गौर से देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि बच्चों का SATS ID है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, जेंडर और साथ ही साथ FA1, FA2, SA1, FA3, FA4 ये तमाम रिज़ल्ट हम भर चुके हैं, वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ आखिर में SA2 रिज़ल्ट भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस SA2 रिज़ल्ट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये जो रिज़ल्ट है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या है अपने स्कूल के हर एक जमात का
एसे टू रिज़ल्ट हम खुद जांच सकते हैं। अगर ये रिज़ल्ट आपको होना हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, तो ये एक्सपोर्ट इस पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ बन जाएगा और आपके पास क्या है, एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। तो दोस्तों अनकरीब इंशाल्लाह एक और एक ऑप्शन देने वाला है प्रोग्रेस कार्ड का, तो अनकरीब एक हफ्ते में या तो तकरीबन 2 या 3 दिन में क्या है प्रोग्रेस कार्ड भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या है उस जनरेट होने वाले प्रोग्रेस कार्ड के ताल्लुक से मैं अगले वीडियो में आपको